But she is dead. दोस्तों, धार्मिक आजादी पर भारत को लेक्चर देने वाला अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका में भारत की बेटी के साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बाद आज चारों तरफ दुख का माहौल तो है ही, लेकिन हमें इस घटना से अमेरिका में मौजूद उस विचारधारा के बारे में पता चलता है जो भविष्य में वहाँ पर काम करने वाले सभी भारतीयों समेत एशिया और अफ्रीका लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है और हो भी रहा है। दरअसल दोस्तों, एक काफी दर्दनाक खबर के तहत हमें इस बात का पता चला कि अमेरिका में मौजूद एक भारतीय लड़की जानवी ने कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। पर सभी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब अमेरिकी पुलिस का एक वीडियो सामने आया, जिसमें अमेरिका के पुलिस अधिकारी भारतीय लड़की की मौत पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेशर्मों की तरह ये बात बोल रहे हैं कि वह कोई खास लड़की नहीं थी बल्कि बहुत ही आम थी। ऐसे में उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बस $11,000 का चेक ही काटना होगा। आप सोच कर देखिए, ये बातें अमेरिकी पुलिस के अधिकारी ऐसे समय पर बोल रहे हैं जब उनके सामने एक निर्दोष भारतीय लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह एक आम और खुशहाल लड़की थी, बल्कि उन्हें बस ये दिख रहा है कि वह भारतीय थी, इसीलिए उसकी मौत की कोई कीमत नहीं है। जिस पर वह गोरे होने की वजह से आसानी से खड़े होकर हंस सकते हैं और वह भी बेशर्मों की तरह पुलिस की वर्दी में, जो अमेरिका में पल रही बेहद ही घातक और घटिया मानसिकता को दर्शाता है। आपको शायद याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिकी पुलिस की एक और इसी तरह की वीडियो सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी पुलिस अधिकारी एक काले आदमी को अरेस्ट करते हुए उसके गले पर घुटना रख रहे थे, जिसकी वजह से उस अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन और आगजनी देखने को मिली। साथ ही हमें एक बड़ा अभियान भी देखने को मिला, जिसे हम ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से जानते हैं। यह अभियान काफी प्रचलित हुआ और दुनिया भर से लोगों ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन हम यहाँ पर सवाल करना चाहेंगे कि जब एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक की अमेरिका में ही मौत होती है, तब सभी की तरफ से इसे समर्थन मिलता है और ब्लैक लाइफ मैटर का अभियान चलाया जाता है, तो अब जब अमेरिका में पुलिस की एक और बेशर्मी की वारदात सामने आ चुकी है और एक भारतीय लड़की ने एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी, तो इन सभी बातों को देखते हुए क्या इस भारतीय लड़की के लिए भी ऐसा ही कोई अभियान चलाया जाएगा और हमें भी वही समर्थन देखने को मिलेगा जो भारत के लोगों ने उस अफ्रीकी आदमी के लिए दिया था, या फिर नहीं? बड़ी बात तो यह है कि इन सभी घटना के कुछ समय पहले अमेरिका में मौजूद स्वतंत्र सरकारी संस्था यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब USCIRF की तरफ से अपनी रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि 2022 में भी भारत के अंदर धार्मिक हिंसा बढ़ी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जानबूझकर काफी सारे कानून बनाए गए, जिसकी वजह से भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ती जा रही है और लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। अपनी बातों को समर्थन देने के लिए इस अमेरिकी संस्था ने सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानून का जिक्र किया, जिसमें धर्म के आधार पर नागरिकता और कई दूसरे कानून शामिल थे। साथ ही इस साल सामने आई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने हरियाणा में हुई हिंसा का भी जिक्र किया और उत्तर पूर्व के मामले को भी उठाया, जिसे एक साथ जोड़कर ये कहना चाहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हमें उनकी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही भारत को मानव अधिकारों को लेकर भी उन्होंने लेक्चर दिया। दोस्तों, USCIRF ने ये बात भी बोली कि वह अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत करेंगे ताकि भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सके और मानव अधिकारों को लेकर हम पर दबाव बनाया जाए। पर यह बात अपने आप में ही काफी गुस्सा दिलाने वाली है कि जब अमेरिका के अंदर रंग भेद के इस तरह के घिनौने और घटिया मामले सामने आते हैं, जिसमें न कि सिर्फ अमेरिका में मौजूद अफ्रीकी लोग बल्कि भारतीय और एशियाई मूल के लोगों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर अमेरिका किस हक से भारत को मानव अधिकारों पर लेक्चर देता है? बता दें कि अमेरिका में हो रही हिंसा और रंग भेद के मामले इतने खराब हैं कि दुनिया भर के देशों को इन पर शर्म आनी शुरू हो चुकी है। हाल ही में मार्च 2023 में निकल कर आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि अमेरिका में हेट क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रंग, जाति और एथनिसिटी के आधार पर होने वाले ये अपराध अमेरिका में 11.6% की दर से बढ़ रहे हैं, जिसमें हर साल बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में अमेरिका न तो धूत का धुला हुआ है और न ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के मामले में भारत से अच्छा है। ऐसे में हमें इस बात को जोर से उठाना चाहिए कि अब हम किसी भी तरह के रंग भेद के मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे घिनौने हो या फिर छोटा ही क्यों ना हो। ऐसा करने के लिए भारत समेत सभी देशों को एकजुट होकर अमेरिका
पर दबाव बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर जरूरत पड़ती है तो हमें उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खुद कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंध भी लगाने चाहिए और अगर संभव हो तो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाना चाहिए ताकि अमेरिका को इस बात का एहसास हो जाए कि सिर्फ वही दुनिया भर में अच्छाई के ठेकेदार बने नहीं घूम सकते बल्कि उन्हें खुद भी अपने यहाँ मौजूद अल्पसंख्यकों को जमीन पर सुरक्षा प्रदान करनी होगी। खैर दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से लगातार अमेरिका भारत पर उंगली उठा रहा है, ऐसे में इस मामले पर भारत को भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।